जी हाँ दोस्तों, बीच मैदान में केशव महाराज ने दे दी दिनेश कार्तिक को गाली। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया। जवाब में दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के ऊपर अपना बल्ला चार्ज कर रहे थे, लेकिन वहीं छठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर वो रिवर्स स्वीप खेलने गए, उसमें वो क्लीन बोल्ड हो गए और उसके बाद भारत की उम्मीदें भी उसी के साथ टूट गई थी। लेकिन दिनेश कार्तिक के आउट हो जाने के बाद में केशव महाराज ने काफी ज्यादा बेकार सा रिएक्शन करा और दिनेश कार्तिक को गाली दी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महाराज को ये करना चाहिए था या फिर नहीं?